हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वेदमी। सर्दियों का मौसम है, स्नोफॉल तो गिरेंगे ही गिरेंगे, पर आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं गिरने चाहिए। और इसीलिए वेदमी लेके आया है यूनिट 9 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज। यहाँ हम देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो पहले आ चुके हैं, जिनके क्वेश्चन जो हैं वो पहले आ चुके हैं। अभी तक जो भी वीडियोस बनी हैं, जो वीडियोस आई हैं यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की, उनमें हमने सेक्शन जो है कवर किया है वो है ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न। ये सेक्शन एफ है, सेक्शन एफ जो है वो कवर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई, जिसमें है ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस। में हम जनरली पढ़ेंगे कॉमन पैरासाइट्स के बारे में या पैथोजेंस के बारे में, जियो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है, ह्यूमंस में डिजीज कॉज करती है, एज वेल एज हम उन पैथोजेंस उन पैरासाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो प्लांट्स लाइफ को भी अफेक्ट करती है, यानी कि प्लांट लाइफ में भी पैथोजेनिसिटी क्रिएट करती है, उन्हें भी डिजीजेस देती हैं। तो अभी आज जो है, आज के टर्न में हम सिर्फ उनको देखेंगे जो ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, उन सबको देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई विथ कॉमन ह्यूमन पैरासाइट एंड पैथोजेंस। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 9 से ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैश ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में, इसमें पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस, सैगस डिजीज, एलिफेंटियासिस, लाइम डिजीज किन से होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वापस से स्लीपिंग सिकनेस का जिक्र है, कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, सैगेस डिजीज किससे होती है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस ये जो कि है ये प्लांट पैथोजन के बारे में पूछ लिया गया है, पाउडरी माइल्ड्यूज ऑफ ग्रासेस ये पूछा गया है, ये भी प्लांट पैथोजेंस। तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों क्या क्या है, मिक्स सा आया हुआ है। तो आपको दोनों के बारे में ही जानना है। अभी सेक्शन में हम सिर्फ उनके बारे में जानने वाले हैं जो एनिमल्स में करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि वायरसेस के बारे में है, कि कौन सा वायरस जो है वो एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस को क्रिएट करता है बाय कंटामिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछे गए हैं। एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या है, इसमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, लाइम डिजीज, स्कारलेट फीवर और टाइफाइड के बारे में पूछा गया है कि ये किन से होते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे डिजीज देखेंगे कि वायरल डिजीजेस कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, फंगल कौन से हैं, बैक्टीरियल कौन से हैं। और अभी हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है लिस्ट ऑफ वायरल डिजीजेस। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखने की हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आपकी याद रखने की बनेंगी। अब जैसे यहाँ पे है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, अगर हम वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ये ए बी सी तीन तरह के होते हैं। तो ये याद करना इजी है। ऐसे बहुत से डिजीज हैं जिनके नाम में ही उनके वायरस या बैक्टीरिया या उनके कॉजेटिव एजेंट का नाम छुपा होता है। तो अब जैसे COVID-19 है, ये तो हम सबको याद हो गया होगा, हम सब एकदम दिमाग में घुसा होगा कि COVID-19 किससे होता है, कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 से होता है, जो सार्स का फुल फॉर्म जो है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड आपको याद रखना है राइनो वायरसेस से होते हैं। HIV, ये सब हमने बचपन से पढ़ा है कि HIV जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसके बाद है हर्पिस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन, ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होता है, HSV-1 एंड HSV-2 दो टाइप के होते हैं। इसके बाद है चिकन पॉक्स, जिसका मेडिकल टर्म जो है वो है वेरिसेला। चिकन पॉक्स का मेडिकल टर्म है वेरिसेला, और इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, वेरिसेला जूस्टर वायरस। अब यही वेरिसेला जूस्टर वायरस जो है वो सिंगल डिजीज भी देता है, जो है जिसको मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं हर्पिस जूस्टर। ऐसे ही मीजल्स है, मीजल्स जो है तो यहाँ नाम में ये डिजीज का नाम मीजल है, तो वायरस का नाम मीजल वायरस है। मम्स है तो मम्स वायरस है। रूबेला, जिसको हम जर्मन मीजल भी बोलते हैं, तो रूबेला के लिए रूबेला वायरस हो गया। ऐसे ही पोलियो,
पोलियोमाइलिटिस हो गया तो उसके लिए पोलियो वायरस होंगे, 1, 2 एंड 3, 3 टाइप्स के होंगे। ऐसे ही हिपेटाइटिस की बात करेंगे तो यहाँ भी नाम में हिपेटाइटिस छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा हिपेटाइटिस वायरस। इबोला वायरस, तो इबोला वायरस के लिए जो हो जाएगा डेंगू वायरस, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4 तरह के। रेबीज के लिए हो जाएगा रेबीज वायरस। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनके नाम में ही उनके कॉजेटिव एजेंट का नाम जो है वो छुपा हुआ है। ऐसे ही येलो फीवर के लिए येलो फीवर वायरस, स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोला वायरस हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जहाँ आपको नाम नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है कॉजेटिव एजेंट और डिजीज के बीच में कॉमन नाम, उनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए और उनको आप याद कर सकते हो। अब जैसे हांता वायरस पल्मोनरी सिम्टम, तो यहाँ हांता वायरस जो है उसका कॉजेटिव एजेंट है। ऐसे ही अगर लिस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ कॉमन है। जैसे अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस दोनों ही टर्म में आ जा रहा है, डिजीज में भी आ जा रहा है और कॉजेटिव एजेंट में भी आ जा रहा है। अब न्यूमोनिया की बात करें तो न्यूमोनिया यहाँ पे होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी के थ्रू। इसके बाद आता है स्ट्रेप थ्रोट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पाइनोजेंस आपको याद रखना होगा। डिप्थीरिया, नाम में डिप्थीरिया है तो इसके कॉजेटिव एजेंट के नाम में कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है, तो ये भी याद करना कितना इजी है। कॉलरा है तो विब्रियो कॉलरी है। लेप्रोसी है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। ऐसे ही अगर हम गोनोरिया के बारे में बात करें तो गोनोरिया के केस में भी नेसेरिया गोनोरिया है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिपोनीमा पैलिडम। लाइम डिजीज, पीछे हमने PYQ में देखा कि 2-3 बार लाइम डिजीज के बारे में पूछा गया, तो ये आपके लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइम डिजीज होता है बोरेलिया बर्डो फेरी से और ये ट्रांसमिट होता है टिक्स के थ्रू। इसके बाद है टिटेनस। टिटेनस तो यहाँ एजेंट के नाम में टिटेनी वर्ड छुपा हुआ है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। बॉटुलिज्म, तो यहाँ भी कॉजेटिव एजेंट के नाम में बॉटुलिनम छुपा है जो कि है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। साल्मोनेलसिस है तो साल्मोनेला स्पीसीज से हो रहा है। फिर ईकोलाई इन्फेक्शन, तो ऑब्वियसली ईकोलाई इन्वॉल्व होगा वहां पे। इसके बाद है मेनेंजाइटिस, तो नाम में यहाँ छुपा हुआ है नेसेरिया मेनेंजाइटिस, तो ये हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा कुछ और UTI इन्फेक्शन जो है वो होते हैं एसीडिया कोलाई से, क्लैप्सीडिया से और स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज से। इसके अलावा पर्टूसिस होता है जिसको हम वोपिंग कप भी बोलते हैं, ये होता है बॉर्डेला पर्टूसिस से। तो आपको पर्टूसिस याद रखना है, बॉर्डेला पर्टूसिस याद हो जाएगा। एक कॉमन नेम भी बहुत सारे डिजीज के साथ है कि उनका एक कॉमन नेम है, एक मेडिकल टर्म है, तो आपको दोनों टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। अगर सपोज आपने पर्टूसिस याद कर लिया और उसके लिए पॉजिटिव एजेंट बॉर्डेला पर्टूसिस याद कर, पर उसका अदर नेम आपको वूपिंग कफ नहीं पता है, और अगर क्वेश्चन में वूपिंग कफ आ गया और बॉर्डेला पर्टूसिस, तो आप मैच नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों टर्म्स आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से हो रहा है। फिर एंथ्रेक्स है तो बैसिलस एंथ्रेसिस से हो रहा है। मेनिनजोकोकल डिजीजेस है तो नेसेरिया मेनिनजाइटिस से हो रहा है। तो ये चीजें कुछ कॉमन मिल जाएगी। इसके बाद जो लिस्ट आती है वो हो है फंगल डिजीजेस की लिस्ट है। तो फंगल डिजीजेस में जो येलो हाइलाइटेड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप चीजें याद रख सकते हो। अब इनमें एक कॉमन चीज मिलेगी जैसे एथलीट्स फूट जिसमें लिखा है टीनिया पेडिस, रिंगवॉर्म तो ये लिखा है टीनिया कॉप्रोसिस, जॉकिच यहाँ पे टीनिया क्रोसिस। तो इन तीनों डिजीज में एक टर्म कॉमन है, वो क्या है, टीनिया कॉमन है। दूसरा चीज क्या कॉमन है, इनके कॉजेटिव एजेंट। इन तीनों के लिए आप सेम कॉजेटिव एजेंट याद कर सकते हो जो कि है ट्राइकोफोटोन, एपिडर्मोफोटोन एंड माइक्रोस्पोरा, ये इन तीनों में कॉमन है। तो तीन चीजें तो ऑब्वियसली याद हो गई कि अगर एथलीट्स फूट, रिंगवॉर्म और जॉकिच हो गया तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये इन तीनों में कॉमन चला जाएगा। उसके बाद है कैंडियासिस जिसको हम नॉर्मल यीस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, तो कैंडियासिस के लिए कैंडिडा एल्बिकिन्स, ओके,
या कैंडिडा स्पीसीज ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। ऐसे ही एस्परजिलोसिस के लिए एस्परजिलस स्पीसीज जो है इन्वॉल्व होंगी, और जैसे एग्जांपल दे रखा है फ्यूमिगेटस, कोकीडियोमाइसिटिस, इसको अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम है वैली फीवर, और इसके लिए कोकीडियोस इमिटिस एंड कोकीडियोडिस पोसाइडेसी जो है वो इनके स्पीसीज हैं जो कॉजेटिव एजेंट हैं। और इसके बाद है हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसके भी नाम में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम छुपा हुआ है। क्रिप्टोकोसिस, तो यहाँ क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस क्रिप्टोकोकस गेटाई है। न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया अगर वो फंगल सोर्स से हो रहा है तो ये है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। फिर ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए ब्लास्टोमाइसिस ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ऑनिकोमाइकोसिस जिसको हम नॉर्मली बोलेंगे कि नेल फंगस है, तो नेल फंगस के लिए क्या होगा, डर्मेटोफाइट्स या कैंडिडा स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होंगी। ऐसे ही टीनिया वर्सिकलर, टीनिया वर्सिकलर क्या है, स्किन में पैचेस आते हैं, बहुत लाइट कलर चेंज आ जाते हैं समर्स में जनरली, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो फंगस इन्वॉल्व होता है वो होता है मलेशिया फुरफुर। फिर म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो राइजोपस म्यूकोर और राइजो म्यूकोर से हो रहा है। अब ऐसे ही अगर हम प्रोटोजोअन्स की लिस्ट देखें तो प्रोटोजोअन्स की लिस्ट भी जो काफ़ी सारे प्रोटोजोअन्स हैं जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं बीइंग अ पैथोजन। तो यहाँ पे है नाम जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज का, वो है मलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री, गियाडेसिस, ट्रिपेनोसोमा, शेगर डिजीज, लेस्मैनियासिस। ये ऊपर के जो पांच डिजीजेस हैं वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए, पुराने पेपर्स में पूछे गए। तो मलेरिया के लिए तो हम सबको याद होगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये इनको कॉज करता है, ये इसके अलग अलग स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम के जो मलेरिया को कॉज करते हैं। इसके अलावा अमेबिक डिसेंट्री, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उसके बाद है जार्डेसिस, तो उसके लिए जार्डिया लैम्बिया हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपेनोसोमियासिस, ये होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसे गैम्बियस से या ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोडिसेंसिस से। तो गैम्बियंस अगर इन्वॉल्व है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस अगर इन्वॉल्व है तो वो क्रोनिक फॉर्म होगा ट्रिपेनोसोमा का, अगर रोडिएशंस इन्वॉल्व है तो वो एक्यूट फॉर्म होगा ट्रिपेनोसोमा का। इसके अलावा शेगर्स डिजीजेस हैं जिसको अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस बोलते हैं, इसमें ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो है वो इन्वॉल्व होगा। इसके बाद एक और प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि है लेस्मैनियासिस, लेस्मैनियासिस इन्वॉल्व है होता है, लेस्मैनियासिस जो है वो होता है लेस्मैनिया डोनोवेनी से। अब इसके बाद कुछ ये चार पांच जो हैं ऊपर के लेस्मैनिया तक, मलेरिया से लेके लेस्मैनिया तक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, उसके बाद के जो हैं वो आप याद कर सकते हो अगर आप में आपका मन हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं। जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है तो ये भी याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से होता है। क्रिप्टोस्पोर्डियोसिस है तो ये क्रिप्टोस्पोर्डियम से होता है। ट्राइकोमोनासिस है तो ये ट्राइकोमोनास वैजिनालिस से होगा। फिर ऐसे ही मेनिन्जियो इंसेफेलाइटिस है तो ये हो रहा है नाइग्लेरिया पॉलरी से। ये है अमीबिक ब्रेन ईटिंग अमीबा, अमीबिक मेनिन्जियो इंसेफेलाइटिस, ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा से होता है जिसका नाम है नाइग्लेरिया पॉलरी। इसके बाद है बेलेंटेडियासिस, ये बेलेंटीडियम कोलाई से होता है। बेबेसियोसिस तो ये बेबेसिया स्पीसीज से होता है। ट्राइकिनोसिस, ट्राइकिनोसिस है तो ट्राइकिनेला स्पाइरलिस से होता है। तो इस तरह से ये हो गए लिस्ट प्रोटोजोअन डिजीज के। इसके बाद कुछ और प्रोटोजोअन डिजीजेस हैं जिसमें है एस्केरिया फाइलेरिया एंड टेनियासिस। एस्केरिया जो होता है वो राउंड वर्म एस्केरियासिस लंब्रोसिस से होता है। फाइलेरिया जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर वो पांच याद कर रहे हो आप तो उसके बाद ये आप फाइलेरिया जरूर याद करना। फाइलेरिया ये होता है विचेरिया वन क्रॉप्टी से, और उसके बाद है टीनियासिस जो कि होता है टीनिया सोलियम से।
अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन में आया है, फाइलेरिया का एक और नाम बताया गया है, और फाइलेरिया उसके लिए पूछा गया है, एलिफेंटियासिस। ओके, तो अगर एलिफेंटियासिस लिखा हुआ है तो आपको एक और नाम उसके साथ क्या याद रखना है, उसके साथ आपको एक और नाम याद रखना है, फाइलेरिया। एलिफेंटियासिस, फाइलेरिया, ये दोनों में से कोई भी नाम आएगा तो आपको क्या बताना है, विचूरिया बैनक्राफ्टी। टेनियासिस आएगा तो टेप वॉर्म या टीनियासोलियम। तो इस तरह से आपका जो पैथोजन का लिस्ट था वो खत्म हो गया है। पैथोजन की लिस्ट में जो भी ह्यूमन को अफेक्ट करने वाले, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करने वाले, ह्यूमन में डिजीजेस क्रिएट करने वाले पैथोजन थे, उनकी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे प्लांट पैथोजेंस के बारे में, बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्लांट पैथोजन है वो प्लांट में डिजीजेस कॉज करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।